जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो आइए हजरात उस आलमी शोहरत याफ्ता शायर का इस्तकबाल करते हैं जिसने कौम को यकजा करने की मुहिम छेड़ रखी है, वो शायर जिसने दुनिया के हर इंसान तक मजहब इस्लाम के पैगामात पहुंचाए हैं, वो शायर जिसके वजूद से दौरे हाजिर में हमारे उर्दू अदब में उजाला है। और ऐसी शायरी दोस्तों सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ऐसी शायरी को दीनी खिदमात के करीब माना जाता है। दोस्तों एक सेंटेंस, एक जुमला है कि अतिथि देवो भवा, मेहमान एक ऐसा अल्लाह का तोहफा है कि जिसकी अहमियत सिर्फ मजहब इस्लाम में नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी उसकी अजमतों का एतराफ किया गया है। उस मेहमान की जब अजमतों का एतराफ उस शायर ने किया तो उसकी शोहरतें सिर्फ इस हिंदुस्तान में मुकीद नहीं रही बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम से लिया जाने लगा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, माजिद है मेरा शेर मेरे अहद की तस्वीर, गालिब की गजल मीर का दीवान नहीं है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी माइक पर। सही है, सही है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से माहौल का सबूत दे दीजिए जब तक कि माइक ठीक होता है, जनाबे डॉक्टर माजिद देवबंदी। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, ये मुशायरा एक वली के दरबार में मुनक़िद है बेशक, और हमारी जिम्मेदारियां ऐसे में ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम मुशायरे में आकर ये बताएं कि हम किसके दरबार में मौजूद हैं। आज के मुशायरे में एक अजीबोगरीब सिचुएशन ये नज़र आई कि जिन बच्चों को कहीं और होना था वो यहाँ बैठे हैं। बैठना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वो ऐसे नहीं बैठे जैसे मुशायरे में बैठा जाता है। ये हमारे मोहतरम हजरात इधर बैठे हैं, ये तमाम लोग बैठे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे आगे बैठे हैं गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, यही सब कुछ है। मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ी देर अगर हम यहाँ रहें तो अदबी और तहजीबी इदारा जिसे हम मुशायरा कहते हैं उसमें ये महसूस होना चाहिए कि हम एक वली के दरबार में मौजूद हैं। आज का ये मुशायरा जो एडवोकेट राजीव सातव साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके MLA जनाब संतोष टारफे साहब यहाँ मौजूद हैं उनकी सरपरस्ती में है, एडवोकेट कादरी, एडवोकेट इलियास नायक, जनाब सादिक नायक, निहाल साहब और आप सब मौजूद हैं। ये सब मैं यूनिवर्सिटी में 25 साल से आप जैसों को पढ़ाता हूं और मेरे स्टूडेंट्स आज प्रोफेसर्स बने हुए हैं, तो मुझे मालूम है कि आप, मुझे मालूम है कि किस तरह क्या बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ चंद लम्हों के लिए मुशायरे में आया हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप बैठेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं एक शेर भी झूठा कहूं तो मुझे हटा दीजिए, अगर मैं सच बोलूं तो मेरा साथ देना आपकी जिम्मेदारी है। इजाजत है बच्चों आप लोगों की, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनको जरा सा संभालें। हंसिए नहीं, अकलमंद नहीं है आप बहुत ज्यादा। इजाजत है आप सब, आप सब भी तो मौजूद हैं, जरा बताइएगा। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग खत्म कोई भी कर नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, मूड बना आपका, बहुत शुक्रिया। और पढ़ता हूँ
आप लोग भी जरा सा साथ दीजिएगा, मैं अच्छे शेर सुनाऊं। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग खत्म कोई भी कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, एक कदम और बढ़ता हूँ। नौजवानों जरा सी तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह आपके दिल पर एक आज शेर लिख कर जाऊंगा। मुलायजा फरमाए, हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग खत्म कोई भी कर नहीं सकता। इस बच्चे को जरा बिठाइएगा आराम से, नहीं मोहब्बत से कह दीजिए, मोहब्बत से, मोहब्बत से कह। देखिए ये हम लोग जो भी स्कूल्स में जाते हैं तो हमारी तरबियत की जाती है, और इस्लाम डांटना नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। बेशक बेशक, ये एक वली के दरबार में आप मौजूद हैं। आज हमारी मस्जिद में कोई अपने बच्चे को नमाज के लिए ले आए और वो बच्चा नमाजियों को डिस्टर्ब करे, तो उसके बाद सारे नमाजी उस बच्चे के और उसके वाली से लड़ने लगते हैं, क्या आपने कर रखा है, मस्जिद का तमाशा बना रखा, बच्चे को ले आए। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स आया जो ईमान वाला नहीं था, उसने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया, सारे सहाबा को गुस्सा, सब नाराज। मेरे सरकार ने उसे कुछ नहीं कहा, उसको बुलाया और ये कहा, देखो ये इबादत की जगह है, यहाँ पेशाब नहीं करते, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, तो मेरी तरबियत ये है कि मैं तुम्हें दो जोड़े कपड़े इनायत कर रहा हूँ, तुम गुस्ल करो, पाक हो, और मेरी तरफ से दो जोड़े ले जाओ। मेरे सरकार ने उसे डांटा नहीं। वो शख्स इस्लाम दुश्मन था, वो अपने कबीले में गया और जाके कहने लगा कि आप सब झूठे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, आप कहते थे वो जालिम है, लेकिन वो जालिम नहीं है, वो मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और फिर जो होना था वही हुआ, वो शख्स अपने कबीले के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ लाया और इस्लाम कबूल कर लिया। हमारी तालीम दोस्तों ये है, हमारी तालीम ये नहीं है जो यहूदी की तालीम है। आज हमारे मदारिस में यहूदी लोग आ रहे हैं, इस्लामी शक्ल इख्तियार करके मदरसों में पढ़ रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत, बस 5-7 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चला जाऊंगा, फिर जिंदा रहा तो कभी आऊंगा, लेकिन हश्र में आप मेरे गवाह बनेंगे अगर मैंने सच बोला। मुन्ना मोहब्बत से कहूँ, मोहब्बत से कहती है, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, नहीं मोहब्बत से कहिए, बस बैठ जाओ मेरे दोस्त, बैठ जाइए, बस हो गया, इतनी सी बात हो गई, बैठ जाओ, नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे वो डिस्टर्ब, कोई बात, बैठिए दोस्तों, उन्हें समझा दिया गया, नहीं हो गया, हो गया, बैठ जाइए, जल्दी से आ जाइए, पढ़िए डॉक्टर साहब, बस आ जाइए, इजाजत है आप लोगों की, इरशाद अली। वो जो लोग उनसे नाराज हो गए तो मेरे छोटे भाई हैं, वो भी दाद देंगे, मुशायरे का माहौल बनाएंगे। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग खत्म कोई भी कर नहीं सकता। क्या कहने, वाह, ये वली का दरबार है, कादरी साहब मुलायजा फरमाए, बल्कि आज कादरी साहब से मैंने एक वादा लिया है, शोराए कराम के दरमियान आपसे मैं वादा ले रहा हूँ कि आप कलम नूरी में एक नातिय मुशायरा कराएंगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ, और पूरा महीना मुतबर्रिक महीना आ रहा है, और क्या अच्छा हो कि इस वली के दरबार के उर्स में भी नातिय मुशायरा हो। लेकिन आपने गजल का किया तो भी अच्छा है। आसमां जिस पे रश्क करता है, क्या कहने, उस मुकद्दस जमीन के सदके, क्या कहने हैं, ये एक वली के दरबार में आप मौजूद हैं। मुलायजा फरमाइए, आसमां जिस पे रश्क करता है उस मुकद्दस जमीन के सदके, हमने सब कुछ जहां में पाया है इन बुजुर्गान दीन के सदके, हमने सब कुछ जहां में पाया है इन बुजुर्गान दीन के सदके। आदाब, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा ना, और माहौल बनाइएगा मुलायजा फरमाए।
देखिए दोस्तों एक बात बताऊं आपसे, अल्लाह ताला, बच्चों सुनो, अल्लाह ताला जब हमसे नाराज हो जाते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी अय्याशियाँ, बदामालियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो तुम पर एक ज़ालिम कौम, ज़ालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाए। बेशक आपको मालूम है हिंदुस्तान के 14 सूबों में फिरौन हुकूमत कर रहे हैं हमारी वजह से। खुदा के लिए सोच, बात ना कीजिए, बैठ जाइए। हमारी वजह से 14 स्टेट्स में फिरौनों की हुकूमत है। लेकिन मैं हक बात कहने की हिम्मत करता हूं तो कर रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, माहौल बनाइएगा मेरे दोस्तों, उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें अजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आदाब, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए मेरे दोस्तों। देखिए वो भी नवाज और नवाजिएगा मुझे, मैं सच बोल सकता। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें अजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आदाब, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बहुत अल्लाह सलामत रखे मेरे इन दोस्तों। कादरी साहब, ये उर्स का मुशायरा है, हजरते ग्रामी अहले इल्म दानिश का, अहले इल्म दानिश तशरीफ फरमा है, मुझे इजाजत दीजिए कहने की। अभी एक महीने पहले उर्दू नहीं, बस क्या मंगा रहे, नहीं हंसने के बाद मेरे दोस्तों, मज़ाहिया शायरी मुलायदा फरमाए, भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ शुक्रिया, मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो मैं यहाँ नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूँ, इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए, आप भी मेरे साथ वहीं मौजूद हैं जहाँ मैं हूँ। बेशक, कब अल्लाह किस निस्बत से किसको क्या नवाज दे कुछ नहीं पता। बेशक, एक वली के दरबार में आप। एक महीने पहले अखबार में खबर छपी कि एक शहर में लोगों ने एक मैयत को दफनाने नहीं दिया, ये कहा कि ये दूसरे मसलक का मानने वाला था। कमाल है। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ, दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी, मुलायदा फरमाए। उसकी चश्मे उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें अजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते, जिसके सदके में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाए। कहिए आमीन, इतने सारे लोग आमीन कहे। जिसके सदके में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाए, देवबंदी बरेलवी से कब्ल, काश हम सब मोहम्मदी बन जाए। वाह वाह वाह, देवबंदी बरेलवी से कब्ल, काश हम सब मोहम्मदी बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब, एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। इरशाद दोस्तों, मालूम है ये मेरा एक दोस्त बताइए कुछ बेचने चला गया, अल्लाह ताला इस कौम पे अपना रहम फरमाए, आप इसको बिठा दीजिए वहां मोहब्बत से। नहीं बुरी बात, इजाजत है आपकी, आप तवज्जो देंगे तो मैं दिल निकाल के रखूंगा, नहीं तो मेरी हाजिरी होगी। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, वाह, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। नौजवानों, आरज़ू है, वाह वाह वाह। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए, ऐ खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाए। वाह वाह वाह, ऐ खुदा मेरी कौम के बच्चे
خالد ابن ولید بن جانا. آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید کون تھے؟ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. انشاءاللہ بیت المقدس پھر فتح ہوگا. آمین. ابھی یہودیوں کے قبضے میں، انشاءاللہ پھر ہمارے قبضے میں آئے گا. آپ وہاں نمازیں پڑھیں گے. دوستو، روہنگیا میں جو مسلمان ہیں ان کی جگہ آپ اور ہم بھی ہو سکتے تھے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ہندوستان جیسا ملک دیا، لیکن ان کو بھولنا نہ چاہیے میرے دوست. یہ گزارش ہے آپ سے. وہ لوگ جو بہت مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں کیڑی کو مارنا بھی پاپ ہے، اور وہ ایمان والوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا مجھے کہنے دیجیے، دنیا کے 55 اسلامی ملک ہیں بالکل چپ ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، وہ 55 اسلامی ملک نہیں ہیں بلکہ سلامی ملک ہیں. 55 کے 55 امریکہ جیسے شیطان ملک کو سلامی دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دعا کیجیے اللہ کرے ایسی صورتحال اس ملک میں نہ ہو. بڑی اہم، بہت زبردست سازشیں ہو رہی. اللہ سے لو لگا لیجیے گا، نہیں تو وہاں جا کے حساب دینا پڑے. بے شک بے شک. اس کے چشمے کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائے. اے خدا میری قوم کے بچے، خالد ابن ولید بن جائے، پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ. کیا کہنے، پھر نیا انقلاب آئے گا انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائے، پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. آسمان سے عذاب آئے گا. کیا کہنے. اب آپ میری طرف سے اپنا شکریہ قبول کر لیجئے. آپ نے مشاعرے کو سنجیدہ بنایا. میرے چھوٹے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مشاعرے کو سنجیدہ بنایا. چار مصرے پیش کر کے پھر ایک غزل پڑھوں گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. بے شک. آج بھی ہمارے درمیان نیک لوگ ہیں، انہیں تلاشنے کی ضرورت ہے. وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے، کیا کہنے، کس قدر سخت امتحان میں ہے. کیا کہنے. وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے، کس قدر سخت امتحان میں ہے. حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے. حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ایک مشورہ دیا ہے جسے ہمارے میڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. فیصلہ نہیں ہے، چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہندو اور مسلمان بیٹھ کر بابری مسجد کے قضیے کا حل کریں. ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن دوستو بات وہاں کی جائے جہاں ایک طرف زیدے نہ ہوں. ہم اپنی بات کریں اور وہ زیدے نہ چھوڑیں، ایسے بات نہیں ہوتی. حضرات گرامی، ملاحظہ فرمائیں، دسمبر پھر آ رہا ہے. 6 دسمبر ہندوستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دن ہے. اس مایوسی کے بعد بھی ہمیں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سنیے گا، جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. بہت بہت اچھا ماحول بنایا. ہلال نے آپ سب سے کئی بار تالیاں بجوائیں.
मुझे तालियां तो नहीं बजवानी है आपसे, इसलिए कि मैं मर्दों से तालियां बजवाने वाला आदमी नहीं हूँ। क्या कह, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बतें चाहती हैं, और ये कि यहाँ से जाने के बाद ये याद रहे कि कोई दीवाना गुनहगार आया था तो कुछ शेर पढ़ गया। क्या मुझे इजाज़त दे कि मैं गज़ल के कुछ शेर पढ़ूँ। कई गज़लों के फरमाइशें हैं लेकिन फरमाइशें बाद में, मैं गज़ल पढ़ता हूँ। ज़रा दिल लगा दीजिएगा मेरा तो मेरा दिल लग जाए। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, बताइए मुझे आपको कैसे सुनना है, सुनिएगा दोस्त। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं। मलाइदा फरमाए, ये जो बुजुर्गान दीन है मेरे दोस्तों, ये हजरत अली से तमाम सिलसिले चले, बेशक ये आले रसूल हैं। अब आप देखिएगा, जब आले रसूल की अजमतों का ये हाल है कि गर्दन के बगैर भी खिदमत करते रहे इस्लाम की, क्या कहने, जिस्म के तीन हिस्से हो गए फिर भी इस्लाम का झंडा लेकर फिरते रहे, तो जब मेरे आका के मामूली चाहने वालों का ये हाल है तो मेरी आका की अजमत का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगाइए। आका अली सलात, सुनो मेरे दोस्तों, आका अली सलात वसलाम से मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब अगर कहो तो इस पहाड़ को सोने का कर दिया जाए तुम्हारे लिए। मेरे महबूब ने मना कर दिया, किसके लिए, हमारे लिए। सुनो, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला हम उनको भूल गए। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, क्या कहने, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। आदाब, लोग कहते हैं ख्वाजा का हिंदुस्तान है, मेरे ख्वाजा के एक सफर में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमान की दौलत कबूल की। बेशक, पेश करता हूँ दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाए, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले। करबला, इस्लाम की नई तारीख का आगाज, 72 लोगों ने इस्लाम की नई तारीख बनाई। हम भूल गए दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना है, आपको मालूम है मेरे नौजवानों, मुहर्रम का महीना क्या इतना अजीम महीना है कि पहली मुहर्रम को अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की शहादत हुई, जिसके लिए मेरे आका ने कहा कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो उमर होते। हजरत आदम की दुआ कबूल की गई। हम लोगों ने मुहर्रम की अजमत को छोड़ के इसे पटाखे छुटाने का, नशे करने का, पटे खेलने का महीना बना लिया। अल्लाह के वास्ते कुछ सोच कर जाइए वली के दरबार में। आप मुहर्रम में शादी ना करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन हजरत अली की शादी मुहर्रम में हुई थी। ये बातें लोगों को, लोग आपको बताते नहीं, पीर साहब इसलिए नहीं बताते कि उन पर चढ़ावा चढ़ना बंद हो जाएगा। माफ कीजिएगा, कुछ लेकर जाइए यहाँ से, मुहर्रम की अजमत को समझिए। क्या है मुहर्रम, मैं बताता हूँ। हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले, क्या कहने, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, वाह वाह, सुनेगा हजरत, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले, वाह वाह वाह,
हम मक्तल में अदा बहुत सी तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार। बड़ी इनायत आपके, अल्लाह आपको सलामत रखे, हक बात सुन रहे हैं। तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले। कलम नूरी के अहले इल्म दानिश, मेरे ईमान के शरीक भाइयों, एक सवाल करके ये गुनहगार जा रहा है, जवाब मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, कादरी साहब के जरिए मुझे पहुंचा दीजिएगा। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन क्या कहने, साथ दीजिएगा मेरा अगर सच बोल। आदाब। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। आदाब। अब कितने ईमान बचाने वाले, जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले। आखिरी शेर जिसका आप इंतखाब करते हैं वो पार्लियामेंट में जाके आपकी बात नहीं करता। अफसोस, हम बीमार हैं, अल्लाह ताला इन बीमारों की हिफाजत फरमाए, इन बीमारों को कोई ऐसा रहनुमा दे दे जो हमारी तरफ तवज्जो दे। बेशक बीमारों का अब तो खुदा ही हाफिज है। क्या कहने, तमाम आप हम सब बीमार हैं। बीमारों का अब तो खुदा ही हाफिज है, सारे मसीहा जहर पिलाने वाले हैं। सारे मसीह, बहुत शुक्रिया। बीमारों का अब तो खुदा ही हाफिज है, सारे मसीहा जहर पिलाने वाले। क्या कहने, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे दे। वाह, मैंने पूरी तारीख इस्लाम आप तक पहुंचाई, एक शेर भी झूठा नहीं कहा। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे दे। क्या कहने, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। आदा, आदा, माजिद हम भी उसी घराने वाले। भूखा रहकर साईं को खैराज दो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले। बताइए आपको कैसे लगी है हक बयान। जजाकल्ला जजाकल्ला, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए दीन की बात करना कोई आसान नहीं है, लोग बहुत आसान समझ लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हम थाली में रख के आपको क्या दे रहे हैं, शायर की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के यहाँ जाके ये जरूर कहूंगा कि मैंने एक शेर भी झूठा नहीं पढ़ा था। अब चंद शेर सुन लीजिए, ये आपकी फरमाइश पर है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए आप सब लोग कैसे सुनना चाहते हैं। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सामान तिजारत, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। क्या कहना, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आदाब, ये मेरी माए बहनी बेटियां बैठी हैं, इनकी नजर करता हूँ ये शेर, अल्लाह करे आपको याद रहे। हम लोग सुबह उठते ही देखते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, काश के हम लोग कुरान करीम का पहला सफा भी खोलने की तौफीक हमें हो जाए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मैंने बिठा दिया। क्या कहने, चाय वाले को कुछ कहते हुए भी डर लगता है कब कौन बन जाए। क्या कहने, बड़े मुश्किल हालात। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है,
हर दर पे झुक सर ये मेरी शान नहीं है। क्या क्या हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मलाइका फरमा, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताको में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताको में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। क्या कहने आप अगर गजल की शायरी, हमारे शोरा बैठे हैं आप सब अहले इल्म हैं, अगर आप गजल की रोमानी शायरी की तारीख पर नजर डालेंगे तो 100% झूठ पर मबनी है। महबूब ने जुल्फ़ बखेरी बादल आ गए शाम हो गई, बिल्कुल झूठ। खूबसूरत आंखों में मैखाना आ गया, उसने जरा सा इशारा किया तो दिल टूट गया, ये सब ख्याली बातें हैं। मुझे 39 साल हो गए आपकी दुआ से, मैंने आज तक ना मुशायरे में झूठी कसम खाई ना झूठा शेर कहा, और दुआ करेंगे जब तक जिंदा रहूं ये तबलीग का और दावत का काम अल्लाह ताला मुझसे लेता रहे, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताको में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। मलाइका फरमाए, आदाब। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मियां जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह ने फरमाया बारिश देता हूँ। कहा और ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया बेटियां देता हूँ। और अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ तो उस घर में मेहमान भेज दिया करता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज मेहमान आ जाए तो मियाँ बीवी में लड़ाई होती है कि ये मेहमान क्यों आ गया, इसीलिए बरकतें खत्म हो गई। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। क्या कहने आपकी तारीख, आपका छोटा भाई आपको दिखा रहा है। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते। सुने क्या अच्छा और सच्चा मिसरा है। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, में भी रस्ते। हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। वाह 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 वाह, आदा वाह। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। क्या कहने, वाह। एक वली के दरबार में उर्स का मुशायरा है, पेश करता हूँ ये शेर। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत ना रहे याद। आदाब, सुने दोस्त। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, क्या कहे, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। वाह वाह वाह। उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। क्या कहे, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ करें माहिर बुलवल में कादरी साहब नातिया मुशायरा कराएं, आमीन। और हम फिर आपके दरमियान आए, इंशाल्लाह अशार पढ़ेंगे। आखिरी शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं कभी इस तरह मुशायरे के बीच जाया नहीं करता, लेकिन मैंने कादरी साहब से इजाजत ले ली थी, मुझे बहुत दूर जाना है इसलिए मैं माफी चाहता हूँ।
हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन। वाह मुलाजा फरमाए, दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। वाह 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 वाह, माजी की दो चार उम्मीदों के दिए अभी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। जिंदाबाद। वाह। कुछ फिरका परस्त लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। उन लोगों को ये नहीं मालूम कि इस वतन की मिट्टी पर हम दिन में 80 या 100 मरतबा सजदे करते हैं अपने अल्लाह को, इससे बड़ी हमारी वतन से मोहब्बत और क्या हो सकती है मेरे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन शरीयत ने कुछ हुदूद कायम कर दी। आखिरी शेर पेश करता हूँ। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, वाह तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी